तो हमारी जो ट्रांसमिशन है सह ट्रांसमिशन माशाल्लाह से शुरू हो चुकी है और आज तेरह रोजा हम इख्तियार करेंगे माशाल्लाह से। देखिए हम किस तरीके से दूसरा एक अशरा खत्म करके दूसरे अशरे की तरफ इतनी माशाल्लाह से तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो चले अभी जो है बस अल्लाह हमें हिम्मत दे और रोज़ रहे और सेगमेंट भी करना है तो पहले वहाँ चलते हैं, पहले सेगमेंट करते हैं उसके बाद आपसे। मैं एक और बात कहूँगी आप लोगों से कि रमज़ान में अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें। बिल्कुल, इन्हीं के से कुछ लोग होते हैं अपना अपना ख्याल कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सेगमेंट करते हैं और वहीं आपको मिलते हैं। जी तो हम आ चुके अपने सेगमेंट है जिसका नाम है नात की महफिल। तो आज मैं जो आपको नात सुनाने वाली वो है ए काश मदीने में। ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, यादे मोहम्मद की मेरी दिल में बसी हो, और यादे मोहम्मद की मेरी दिल में बसी हो, ए काश मैं बन जाऊं का मुसाफिर, फिर रो थी हुई तैबा चली गो, ए काश मदीने का मुसाफिर, ए काश बन जा मदीने का मुसाफिर, कदमों में तेरा सर हो मेरे चली गो, कदमों मेरा सर हो मेरे बिरू चली गो, ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, कदमों में तेरा सर हो मेरे बिरू चली गो, ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, रोती हुई तैबा को रात चली गो, हर बात तस्वर में मदीने की गली हो, और यादे मोहम्मद की मेरी दिल में बसी हो, ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, हर बार तसव्वुर में मदीने की गली हो, ए काश मदीने का मैं बन जाऊं मुसाफिर, हर बात तसव्वुर में मदीने की
की गली हो और यारा मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो हर बात तसव्वुर में मदीने की गली हो हर बात तसव्वुर में मदीने की गली हो। सो होप यू गाइस की नात आपको बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर कमेंट करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके, तो हम आ चुके अपने सेगमेंट तरफ जिसका नाम है रोजे के फायदे। और आज मैं जो आपको रोजे का फायदा बताने जा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। रोज़ा सेहत इंसानी का ज़ामिन है, मतलब कितना ज़रूरी है रोज़ा इंसान के लिए, इंसान के जिस्म के लिए। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि इस चीज़ में जितनी भी अहादीस मारवी हैं वो सारी की सारी सच्ची हैं, ठीक है। अलबत्ता तिब्बी नुक्ते के नज़र में से भी इंसान रोज़ा जो है इंसानी सेहत के लिए एक अहम चीज़ है। बल्कि तो रोज़ा ऑफिस से बात है, हमारी काफ़ी जो हमारे अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो डेंजर केमिकल्स हैं, जो डेंजरस चीज़ें हैं, उसको रिमूव कर देता है। और यहाँ तक कि बल्कि दुनिया में ऐसा भी है, ऐसे भी मराकज़ कायम हैं कि रोज़े पर अमल किया जाता है और बास ख़ास इलाज मरीज़ों को भूखा रखा जाता है, यानी रोज़े की तरीके से रखा जाता है और उनको जो इनका इलाज किया जाता है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप रोज़े की कितनी कितनी अफादियत है। तो रोज़ा जो है ना कि सिर्फ इस्लामी तौर पे हमारे लिए अच्छा है, बल्कि हमारे लिए जो डॉक्टरी असूल है उससे भी अच्छा है, क्योंकि हम जो भूखे रहते हैं उससे हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, हमारे जो केमिकल्स हैं, उनमें चेंजिंग होती है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो मर्जों से, यानी कोई भी जो वो हो डिज़ीज़ हो उससे दूर रहती है और अच्छी हो जाती है, बल्कि हम और सेहतमंद हो जाते हैं माशाल्लाह से। और रोज़े के जो चंद फ़वाद हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी रोज़े के फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं। और इस बुनियाद पर जो है वो अल्लाह आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो है रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, तो आमीन आमीन सुम आमीन। तो रोज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस्लामी तौर पे भी, और डॉक्टरी बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो आपने बस रोज़े रखते रहना है, ट्रांसमिशन देखते रहना है, और ये सेगमेंट यही ख़त्म होता है। होप यू गाइस कि आपको कोई अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर अच्छी नॉलेज मिली आपको तो आपने लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो ये जो हमारा सेगमेंट है वो यहीं ख़त्म होता है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। से माशाल्लाह से आज जो है हमारा 13वां रोज़ा माशाल्लाह से हम सहर करने जा रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सहरी में अंडा पराठा है भाई, डिफरेंट कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल जो ब्रेकफास्ट कहते हैं ना वो, हाँ हाँ, हमारा अंडा पराठा। और माशाल्लाह से आज हम अंडा पराठा खा रहे हैं। क्यों आज अंडा खाऊंगी ना, वो काफ़ी तेज हो गए। चलिए तो आप सैरी कर लेते हैं, सैरी के बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई अजान का बस वेट हो रहा है, फजर का वेट हो रहा है, सैरी कर लिए सेगमेंट की तरफ जाएं। लास्ट सेगमेंट जो हमारा रह गया वो करना है, नमाज पढ़कर अपने बिल्कुल। तो अभी बस इंतजार कर रहे हैं, और आप सबने जो इंतजार करना है हमारे सेगमेंट दूसरा आशरा सबको मुबारक। बिल्कुल, तो बस इंतजार करते हैं कब होता है। आ चुके अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक वाक्य। तो आज मैं जो आपको वाक्य सुनाने वाली हूँ माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, और आप लोग की सोचेंगे मेरी बहन का है। ऑब्वियसली बात है, एक्चुअली में क्या है ना कि फजर का वक्त हो रहा है, ठीक है, तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, जिसकी वजह से वो सो चुकी हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें आपके साथ जो है वो मैं ही आज वाक्य सुना दूँ और आपके साथ कनेक्टेड रहूँ। तो ऐसा हो रहा था कि नहीं, यानी ये सेगमेंट हम कैंसिल कर रहे थे, बट मैंने कहा चले मैं कर लेती हूँ, आप सो जाएं। तो अब मैं आपको सुना देती हूँ आज एक वाकया। फजर के टाइम नमाज जो है हो चुकी है माशाल्लाह से, तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये वैसे ही ये हुस्न सलूक पर है, ये जो वाकया है, जो अहदीस होगी वाकया जो भी है, ये हुस्न सलूक पर होगा कि अपने अजीज़ अकारिब से कैसे आपको हुस्न सलूक से बात करनी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स
खुदा और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, इसे अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। यानी कि जितने मुसलमान हैं वो सब जो है अगर क़यामत पे यकीन रखते हैं तो उन्हें अपने मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। और जो शख्स खुदा और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे अपने रिश्तेदारों से तसल्लुक से पेश आना चाहिए। तो इसमें ये साफ साफ लिखा है, और जो शख्स जो है खुदा और आखिरत, ऑब्वियसली बात है अल्लाह ताला और आखिरत पे यकीन रखता है, उसे ये करना है कि अपने रिश्तेदार के साथ उसने सलूक भी इख्तियार करना है। और जो शख्स खुदा और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो फिर उसे भली बात कहनी चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। यानी साफ साफ है कि या तो आप अपने खुदा और अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखते हो तो अपने किसी बोलने से किसी को दुख ना पहुंचाओ। अगर ईमान रखते हो, बिल्कुल हम रखते हैं, तभी तो हमारे पर फ़र्ज़ हो चुका है कि हम अपने रिश्तेदारों से लेके किसी और से अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी तमीज़ से करें, किसी का दिल ना तोड़ें। इस तरीके से जो है अगर हम ईमान आप, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और शायद फरमा दिया है, तो इसका मतलब है कि पत्थर पे लकीर है, करना ही करना है हमें। तो यानी कि हमें इसका दिल नहीं तोड़ना है, मेहमानों की इज्जत करनी है, रिश्तेदार से हुस्न सलूक करना है, और अगर मैं कोई अच्छी बात किसी को बोल सकती हूँ तो बोल दूँ, वरना फिर मैं चुप रहूँ तो अच्छी बात। किसी का जो है यानी उल्ट उल्ट कुछ लोग होते हैं उल्ट उल्ट बोलते रहते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो चुप रहें तो अच्छा है, या फिर जो लोग अच्छा बोलते हैं उनके लिए बोले वो, क्योंकि अच्छी अच्छाई से जो है, अच्छा बोलने से जो है वो पॉजिटिविटी फैलती है। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है। ये एक तरह का वाक्य भी था और एक तरह की एक सीख भी थी जो हमें अपनानी चाहिए, और इससे हमारा फ़ायदा है, ठीक है। और आप सब ने फरमा दिया, मतलब करेक्ट ही करेक्ट। दैट्स इट, होप यू गाइस कि आपको सेगमेंट बहुत अच्छा लगा हो। तो आपको जो है रमज़ान मुबारक, और सेगमेंट ख़त्म हो चुका है, और ये लास्ट सेगमेंट था ट्रांसमिशन का। और होप यू गाइस कि आपको ट्रांसमिशन बहुत अच्छी होगी, आपको ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है रमज़ान की। तो बस आपने लेक्चर का ट्रांसमिशन यहीं ख़त्म होता है, और आप सब मिलेंगे हम इफ्तार में। तो होप यू गाइस कि आपको अच्छा लगा, तो आपने लेक्चर कमेंट करना है। अल्लाह हाफिज़, रखें अपना ख्याल। That's it.